सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एनी डेस्क क्या है और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। तो एनी डेस्क एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से इजीली उसको चला सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका यूज़ और इसकी कनेक्टिविटी आप कहीं से भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि कैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और इसका यूज़ कैसे करेंगे। आप अपने ब्राउज़र पे सर्च करेंगे एनी डेस्क, तो पहली ही वेबसाइट आएगी। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम के अंदर। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा पर इंस्टॉल नहीं होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है इंस्टॉल एनी डेस्क ऑन दिस डिवाइस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। एक बार इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे सिस्टम की आईडी आती है। अगर किसी भी सामने वाले बंदे को हमारा सिस्टम कनेक्ट करना है कि उसको हमारी स्क्रीन दिखे, तब हम उसके साथ ये अपना नंबर शेयर करेंगे और हमारा सिस्टम वहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। सामने वाला पर्सन हमारा सिस्टम देख सकता है, हमारे सिस्टम को चला सकता है। और अगर हमको किसी का सिस्टम एक्सेस करना है, उसके सिस्टम को चलाना है, तो सामने वाला पर्सन हमारे साथ अपनी आईडी को शेयर करेगा। उस आईडी को हम यहाँ पर डालेंगे और नीचे कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे, तो हम सामने वाले पर्सन का सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन है डिस्कवर्ड का। अगर आपके आसपास कहीं भी एनी डेस्क ओपन होगा तो यहाँ पर अपने आप शो हो जाएगा। सबसे लास्ट ऑप्शन आता है रीसेंट सेशन का। लास्ट में जो भी आपने सिस्टम को कनेक्ट किया होगा वो नीचे दिखा देगा। आपको बार बार आईडी उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप यहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सामने वाले पर्सन के पास एक नोटिफिकेशन आएगा, पहले वो एक्सेप्ट करेगा तभी आपके सिस्टम के अंदर कनेक्टिविटी होगी। यहाँ पर मैं एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले सिस्टम के अंदर सेकंड डेस्कटॉप की स्क्रीन आ चुकी है। सिस्टम को एक्सेस करने के लिए इस लॉक को हटाएंगे। जैसे ही आप इस लॉक को हटाते हैं तो अब सिस्टम दूसरे सिस्टम से एक्सेस हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड सिस्टम को फर्स्ट सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं।
यहाँ पर हमको ऑप्शन दे रखा है कि हम यहाँ पे मैसेज में बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम मैसेज टाइप करेंगे तो सामने सिस्टम के अंदर भी शो होगा वो। यहाँ पर आप चाहें तो सामने वाले सिस्टम से कोई भी फाइल कॉपी कर सकते हैं, अपने सिस्टम के अंदर उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यह एक्सेल फाइल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने डेस्कटॉप पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहे तो कोई भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं, बस दोनों साइड के अंदर नेट और जो नेट स्पीड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर ये अभी छोटी फाइल थी इसलिए जल्दी पेस्ट हो गई है, अगर बड़ी फाइल होती तो टाइम लगाती, पर छोटी फाइल को अगर आप जैसे डॉक्यूमेंट हो गए या कोई पिक्चर्स होगी आप सिंपली पेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात होगी कनेक्टिविटी की कि कैसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका काम हो गया है, आपको इसको डिसकनेक्ट करना है, सिंपली बस आपको एनी डेस्क को क्लोज कर देना है तो इसकी कनेक्टिविटी है वो क्लोज हो जाएगी। वापस से कनेक्ट करने के लिए फिर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आज इस वीडियो के अंदर आपने जाना कि एनी डेस्क क्या है, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।